सपोज करो आपके पास एक प्लेट है या डिस्क है, डिस्क का मास 15 केजी है, तो मास ऑफ डिस्क जो है वो 15 केजी है, ठीक है। अब अगर मैं हवा में इसे रख दूं ऐसी प्लेट को, तो डिस्क नीचे गिर जाएगी जमीन पे, क्यों? क्योंकि इसका वेट क्या है, 15 × g, जिसको नीचे गिर देगा। किसी ने आइडिया निकाला, क्या आइडिया निकाला? आइडिया ये निकाला कि क्यों ना ऐसा करें कि एक बुलेट लें, है ना, गोलियां लें और गोलियां चलाना शुरू करें। तो मान लो जो बुलेट चलेगी उसका मास m है और वेलोसिटी v, और मास ऑफ ईच बुलेट, हर बुलेट का मास कितना है, मान लो 1 ग्राम है, 1 ग्राम की बुलेट है, 1 ग्राम का मतलब 1 × 10⁻³ kg। तो v वेलोसिटी से गई, ऐसे भेजनी है कि ये ऊपर जाएगी बुलेट, टक्कर मारेगी और उसी मोमेंटम के साथ लेटर सपोज क्वेश्चन में के बारे नीचे आ जाती है। तो हमने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट किया था, चेंज इन मोमेंटम किया था, क्या करवाया था, ये करवाया था कि अगर सपोज आपके पास कोई भी एक बॉल है जो एम वी मोमेंटम के साथ आ रही है और एम वी मोमेंटम के साथ वापस जा रही है, तो लास्ट टाइम हमने किया था चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। लास्ट टाइम हमने किया था ये 2mv, मैंने बताया था ये, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो कि अगर मान लो एक बुलेट आ रहा है विद एम वी, या कोई बॉल आ रही है विद एम वी और दीवार से टक्कर खा के वापस जा रही है विद एम वी, और आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कई लोग बोलते हैं जीरो जी, कैसे एम वी माइनस एम वी जीरो, ना जीरो नहीं। आप एक चीज समझें कि मान लें यहाँ की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी करते हैं, मान लो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो वो बोलते हैं कि अगर हम चेंज मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में निकालें, दिस विल बी इक्वल टू पी टू वेक्टर माइनस पी वन वेक्टर, मानते हो ऐसी है? तो पी टू वेक्टर का मतलब फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, एम वी इन टू, बोलो क्या, माइनस आई कैप, और पी वन वेक्टर क्या होगा, एम वी इन टू कितना, आई कैप, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम राइट है, फाइनल लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब माइनस आई कैप और राइट का मतलब आई कैप। तो इस केस में आंसर जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आएगा माइनस टू एम वी आई कैप, माइनस आई कैप मतलब उल्टी तरफ। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मॉड लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 mv। तो याद रखना जब भी एक वॉल को हिट करके वापस आएगी एम वी के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं बोलना, क्या बोलना है, 2 mv। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नोट करो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में, नोट करो एक चीज, इसे नोट करें प्लीज। नोट ये करना है कि अगर सपोज करो आपको कुछ ये गिवन है कि एक बॉल जा रही है विद एम वी, वापस आ रही है एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 2 mv। प्लीज़ इसे नोट कर लें, आज के बाद अगर मैं यूज़ करूँगा तो सीधा आपने जीरो नहीं बोलना, आपने 2 mv बोलना है। ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें।
याद हो गया, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है ये देखो, अब कोई कहता है कि जी ये प्लेट है ना, इस प्लेट को मैं हवा में टिका के रखूंगा, गोलियां चलानी शुरू, मैं गोली से क्या होगा, तो एक गोली गई, मैं गई तो गई, फिर प्लेट नीचे, कहते गोलियां चलाऊंगा ऐसे कि एक सेकेंड में, पूरे एक सेकेंड में 60 बुलेट चलाऊंगा इकट्ठे, ठीक है। तो आपने AK-47 तो सुना होगा, ये AK-60 है, तो ये एक सेकेंड में 47 गोलियां नहीं दागती, ये 60 दागती, उससे भी तेज है, मतलब एक सेकेंड हुआ और 60 गोलियां चली गई। तो इतनी तेज अगर फायरिंग हो रही है तो इसका मतलब प्लेट गिरने की कोशिश करती है, अगली गोली लग जाती है, तो वहीं रेस्ट पे हो जाती है। क्वेश्चन है कि डिस्क या प्लेट किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। तो बताओ वेलोसिटी क्या है बुलेट की, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो भी वेट ऑफ डिस्क है, जो भी वेट ऑफ डिस्क है, ये किसके इक्वल होगा? फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट्स। मानते हो बुलेट ने जो फोर्स अप्लाई की, अगर वो वेट को बैलेंस कर जाए, बुलेट रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। वेट ऑफ द डिस्क क्या है? 15 g। फोर्स ऑफ बुलेट्स क्या है? न्यूटन ने क्या कहा था? dp/dt। किसने कहा सर ये कैसे dp/dt क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि बुलेट जाती है, टक्कर खा के वापस आती है, चेंज इन मोमेंटम होता है, जिस वजह से फोर्स लगती है। तो चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का बोलो कितना है, बोलो एक बुलेट कितने मोमेंटम से ऊपर गया? mv। कितने से नीचे आया? mv। चेंज इन मोमेंटम बोलो कितना है? 2 mv। बिल्कुल सही, बुलेट mv 2 mv। तो यहां पर क्या आएगा? 2 mv। और टाइम, टाइम कितना पुट करें? 1 सेकेंड। तो जैसे ही मैंने 1 सेकेंड पुट किया टाइम, यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पर 1 सेकेंड में कितनी गोलियां चली? 60। और हमने 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम का चेंज लिया? सिर्फ एक बुलेट का। तो अगर टाइम आपने 1 सेकेंड पुट किया तो बुलेट कितनी चली? 60। तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम 2 mv, तो 60 बुलेट्स का 62 mv। तो 60 बुलेट लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 सेकेंड में 60 बुलेट्स चल रही हैं। तो आपको 60 बुलेट्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्लियर है यहां तक? ये स्टेप समझ में आया? टाइम पुट किया एक और 60 बुलेट्स का चेंज हुआ। अब आपको बुलेट का मास तो गिवन है, 1 × 10⁻³। किसकी वैल्यू आ जाएगी? वेलोसिटी की। आंसर ये क्वेश्चन है। तो समझ में आ रहा है सबको कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है?